मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और आज हम लोग आए हैं बहुत ही अच्छी जगह जिसका नाम है मैत्री की नेकी की पाठशाला। इसमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम होता है कि बहुत सारे मतलब बच्चे, थोड़े गरीब बच्चों के मतलब स्टडीज़ होती है यहाँ पे, सोशल एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे, और भी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, और यहाँ पे पढ़ाई होती है, गेम्स होते हैं, और यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है। मतलब बच्चों का जो डेवलपमेंट है, जो एक स्कूल में सब बच्चों का अधिकार है जो लेना, वो यहाँ पे मतलब सब बच्चों को मिलता है। ऐसा हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये है नेकी, मतलब नेकी की पाठशाला है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा स्कूल है जहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे को जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है यहाँ पे, ताकि बच्चों का एजुकेशन हर फील्ड में बहुत ही अच्छा हो सके। और हर बच्चे की बेसिक नीड होती है पढ़ाई, शिक्षा और खेल कूद होता है, और भी मतलब स्पोर्ट एक्टिविटीज़, सेल्फ डिफेंस होता है, ड्राइंग्स, और भी ऐसी बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो सब बच्चों को सीखनी चाहिए वो यहाँ पे पाठशाला में सिखाई जाती है बच्चों को। तो बिना देरी किए हम लोग पाठशाला को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है थोड़ा और हम लोग गहराई से जानते हैं। तो गाइज ये है बाहर का लुक। मैम का मतलब घर बाजू में है इसके, और इसके बाजू में पाठशाला है मैत्री की नेके की पाठशाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और गाइज ये पाठशाला है M693 पद्मनागपुर दुर्ग में। और क्या बोलते हैं, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है जैसे दी गई है, जैसे कि है संगीत है, डांस है, आर्ट एवं क्राफ्ट है, योगा, एरोबिक्स, मेहंदी, पेंटिंग, ड्राइंग, और गेम्स है कैरम, शतरंज, मैकेनो इत्यादि। मतलब बहुत अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती है जैसे कि इंग्लिश, संस्कृत, कंप्यूटर क्लासेस भी होती है यहाँ पे। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि सब चीज़ निःशुल्क होती है एकदम। और यहाँ पे थोड़े मोटिवेशनल क्वोट्स भी लिखे हैं, और बहुत ही मतलब अच्छे पर्सनालिटीज जिन्होंने हमारे देश के बारे में बहुत अच्छा मतलब काम किया है, तो उनका भी मतलब यहाँ पे चित्र है, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी और सर्वपाली राधाकृष्ण और शहीद भगत सिंह और स्वतंत्र संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद। और यहाँ वॉल ऑफ किड्स है, छोटे छोटे बच्चों ने मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाई है। वाओ, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे यहाँ पे पूरा बाहर का वातावरण पूरा पेड़ पौधे और फूल से भरा हुआ है, और यहाँ पे बच्चे नेचर के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। और हाँ, बच्चों को ये सब भी सिखाया जाता है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो मतलब बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती है यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे तुष्मा साहू मैम मैथ्स पढ़ा रही है बहुत अच्छे से, और यहाँ सब बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं मैथ्स को। यहाँ पे हमारे सब छोटे छोटे मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और मैम यहाँ पे मतलब बिल्कुल ही निशुल्क पढ़ा रही है, और सब बच्चे यहाँ पे मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब मतलब चार्ट लगे, जैसे यहाँ पे अर्थ का मतलब इंडिया का मैप लगा है, इस तरफ पहाड़ा लगा है, यहाँ पे भी बारह खड़ी लगी है, इस तरफ में भी लगी है, और नीचे में भी मतलब क ख ग घ। तो इनसे बच्चों को मतलब बहुत सारा ज्ञान होता है, जैसे कि पोस्टर्स से देख के, जैसे कि हम लोग बचपन में ABCD पोस्टर्स से देख के सीखते थे वैसे ही। और प्लस प्लस इनटू माइनस ये हम लोग अभी अभी मतलब पढ़ते हैं, तो ये भी यहाँ पे दिया है। मतलब बहुत सारे इक्वेशंस भी सॉल्व करते हैं यहाँ पे बच्चे, और मतलब पूरा एक पाठशाला जैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है। तो गाइज ये बच्चों की लाइब्रेरी है जहाँ पे मतलब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, यहाँ पे निशुल्क तरीके से कोई भी बच्चा आ सकता है और यहाँ पे पढ़ सकता है। तो मैम बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रही है, मैं एक और बार आपको बता रहा हूँ कि मतलब बहुत ही अच्छा मतलब बच्चों को पढ़ाई की सीख देना, और बहुत ही सारे काम, सोशल मैसेज देना और
कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है यहाँ पे बहुत सारी, और नीचे बच्चों के स्पोर्ट्स का सामान भी है, हॉकी है, बैट है, बैट बॉल खिलाते हैं, स्केटबोर्ड सिखाते हैं, स्केट्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे टेबल टेनिस भी है, बैडमिंटन भी है, और चेस है, ब्रेन स्टॉर्म है, और भी बहुत सारी मतलब जो स्पोर्ट्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं बच्चों के लिए और बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए। और मिनी का फेवरेट यहाँ पे एक हुला हूप भी है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब स्पोर्ट्स की चीजें हैं। मिनी दिखा दे, वाह। तो गाइज यहाँ पे बच्चों के लिए कपड़े हैं, मतलब मैडम की बेटी बेंगलुरु में भी रहकर बहुत सारा बहुत सपोर्टिव है, बहुत सारे बच्चों की हेल्प करती है, और जैसे बच्चे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जो जो चीज वो वहां से मतलब भेजवाती भी है, और बहुत सारे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए क्लोथ्स है, तो यहाँ पे क्लोथ्स मिलते हैं, पढ़ाई होती है, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है यहाँ पे। तो सोशल मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि हम लोग इंडिया के किसी भी कोने में रहकर हम लोग हेल्प कर सकते हैं और इंडिया के बच्चों को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे सारे मतलब मेरे सीनियर्स हैं, हेलो कर दीजिए आप। तो यहाँ पे मतलब सब भैया और दीदी यहाँ पे सब पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ाई हो रही है भैया की, और मैं यहाँ पे मैम पढ़ाई करवाती है भैया लोगों को और दीदियों को भी, और यहाँ पे सब लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। मैम अभी बता रही थी कि सब ने 80 और 90% लाया है मैक्सिमम बच्चों ने, तो मैं सुन के बहुत ही मतलब खुश हो गया कि बहुत अच्छी यहाँ पे पढ़ाई हो रही है और सब लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे सब बच्चे अभी ड्राइंग कर रहे थे और कितनी सुंदर सुंदर इन्होंने भगत सिंह की ड्राइंग बनाई है, वाओ। ये भी बहुत ही अच्छी ड्राइंग है, इस बच्चे ने भी बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है, मतलब यहाँ पे भी है, ये देखिए। भले यहाँ बच्चे ड्राइंग भी सीखते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज भी सीखते हैं, और दिखा दो, बहुत अच्छा बनाया हुआ अभी। यहाँ पे भी आ मतलब स्वर यहाँ पे है, व्यंजन भी लगे हुए हैं और अल्फाबेट का चार्ट भी लगा हुआ है, इसी से मैंने ABCD सीखी थी, अभी भी याद है मुझे। और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स भी है और यहाँ पे न्यूमेरिकल चार्ट भी है, और ना ऐसी बहुत सारे चार्ट्स भी लगे हुए हैं जिससे बच्चे देख के पढ़ते रहे। यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट्स भी, और बाड़ा खड़ी भी यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे मैम है जो म्यूजिक सिखाती है सब बच्चों को, तो गाइज मैम कुछ 2-3 लाइन म्यूजिक सुना रही है। चलो बच्चा साथ में काम कौन सा लोगे? चालू हो गया बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करें,
तरीके से वो अच्छी उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और उन लोग खूब अच्छे से पढ़े। करते करते उस कोविड के पहले सेशन में 97 बच्चे हो गए थे। फिर उन बच्चों को बहुत अच्छे से हम लोगों ने मैनेज किया, उनके मैनर्स इतने अच्छे हो गए थे, उनकी पढ़ने में इतनी रुचि हो गई थी और बहुत अच्छे से पढ़ते थे उन लोग। तो उसके बाद कोविड आ गया, तो अभी भी हैं बच्चे, करीब 70 बच्चे हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो मैं यही आशा करती हूँ कि वो बच्चे आगे चल के अपने अपने जीवन में अच्छा स्थान पाएंगे और एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। यस मैम, थैंक यू मैम, आपका जो क्लास है मुझे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और मैं सब बच्चों को गुड लक देता हूँ कि वो जो अपने ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं वो जरूर पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो गाइज मैं मैडम को बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि मतलब बहुत अप्रिशिएट हो रहा है मुझे कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जनरल नॉलेज पा रहे हैं और बेसिक जो बच्चों को लर्न होना चाहिए चीज़ें वो सब यहाँ पे। और एक सबसे अच्छी बात लगी, सबसे बड़ा चीज़ होता है डिसिप्लिन। जैसे कि आप देख सकते हैं सब बच्चों के जूते यहाँ पे एकदम लाइन से लगे हुए हैं, एकदम लाइन से। मैम अभी बता रही है कि जो भी बच्चा टेढ़ा चप्पल देखता है उसको सीधा कर देता है। तो ये होते हैं संस्कार, मतलब बच्चों में संस्कार तो डेवलप होने ही चाहिए। जैसे हम लोग आए ना तो सब बच्चे मतलब पापा को नमस्ते सर बोल रहे थे, तो मतलब हम लोग को भी अपने से बड़ों को नमस्ते जरूर से करना चाहिए। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है संस्कार। संस्कार जिस बच्चे में नहीं होता है वो मतलब बहुत ही मुश्किल होता है संस्कार डेवलप करना बच्चों में। तो सबसे मतलब जो टफ चीज होती है वो संस्कार डेवलप करना होता है और यहाँ पे मैम ने वो डेवलप करके सब बच्चों में दे दिया है। तो मेरे को तो मैं तो बता रहा हूँ सब बच्चे मतलब बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और मैम अभी बता रही थी कि सब बच्चों ने 80-90 प्लस स्कोर किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये बात सुनकर। गाइज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग सोशल वर्क नहीं कर सकते, बच्चों के लिए कुछ काम नहीं कर सकते, अपने देश के लिए कुछ काम नहीं कर सकते। हम लोग देश के किसी भी कोने में रहकर, जरूरी नहीं है कि हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं तो हम लोग छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए ही करें। अगर हम लोग कोलकाता बैंगलोर में, तो हम लोग वहां के बच्चों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। जैसे आप कोलकाता बैंगलोर या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट में हो तो आप वहां के लिए एटलीस्ट बच्चों के लिए कुछ डोनेशन करें। और या फिर बच्चों को जैसे पढ़ाई की कुछ बेसिक नीड्स, किताबें, बैग्स, ये सब ला के दें। और मतलब सोशल कुछ ना कुछ हमको अपने नेचर के लिए और जो हमारी धरती माँ है, ये हमारी जो भारत माँ है, इनके लिए हमको कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए। क्योंकि हमको जन्म देने वाली तो यही हमारी माँ है और हम लोग जहाँ पे रह रही है हमारा देश भारत है, और हमको भारत के लिए कुछ करना चाहिए ताकि हमारे भारत का विकास हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा तो मुझे भी नॉलेज नहीं है, मैं अभी अभी छोटा बच्चा ही हूँ। तो आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, उसके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।